हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम संकल्प ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सिक्स क्लास के लिए क्रीचर्स, एनिमल्स एंड क्राइज के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्रीचर्स, एनिमल्स और उसका, जानते ही होंगे किटन का साउंड म्यू, एम ई डब्ल्यू। तो एक बार फिर देखते हैं क्रीचर्स एंड एनिमल्स एंड क्राइज एंड साउंड्स। तो क्रीचर्स के नेम और उनके साउंड्स, तो फर्स्ट है एप और इसका साउंड है गिब्बो। तो आप नोट कर लो, फर्स्ट एप का गिब्बो, सेकेंड एस इसका ब्रे एंड किटन का म्यू। तो ये आपका थ्री है जो एग्जाम में पूछता भी है और आया भी है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं लैम्ब। लैम्ब मीन्स आप जानते ही होंगे, तो लैम्ब का साउंड जो है वो ब्लीट है। लैम्ब का साउंड ब्लीट, तो लैम्ब का साउंड ब्लीट। तो इस प्रकार से हमने देखा क्रीचर्स, एनिमल्स एंड क्राइज एंड साउंड्स। तो फर्स्ट है एप, सेकेंड एस, थर्ड किटन एंड फोर्थ लैम्ब। तो आपने देखा एप का गिब्बर, एस का ब्रे, किटन का म्यू, लैम्ब का ब्लीट। तो इस प्रकार से हमने साउंड देखा लैम्ब का ब्लीट। नेक्स्ट देखते हैं बियर। अब आप देखो बियर, बियर का साउंड जो होता है वो ग्राउल, बियर का ग्राउल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सम नेम ऑफ एनिमल्स एंड क्रीचर्स एंड देयर क्राइज एंड साउंड्स। तो फर्स्ट है एप, एप का साउंड गिब्बो, सेकेंड एस का साउंड ब्रे, थर्ड किटन का म्यू एंड फोर्थ लैम्ब का ब्लीट एंड बियर का ग्राउंड। तो इस प्रकार से सम एनिमल्स नेम एंड देयर क्राइज। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहां नोट कर स्क्रीन। अब आप देखो हॉक का जो साउंड होता है वो स्क्रीम होता है, उसी प्रकार वल्चर, वल्चर का साउंड, वल्चर का साउंड भी स्क्रीम होता है, वल्चर का साउंड भी स्क्रीम होता है। फिर उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम इसको नोट कर सकते हैं कि हॉक एंड वल्चर की एक ही साउंड होती है जो स्क्रीम है। तो आप ऐसे लिख सकते हो दोनों का कि दोनों का सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हॉक का पूछे साउंड तो भी स्क्रीम, वल्चर का पूछे तो भी स्क्रीम। तो इस प्रकार हम देखते हैं नेम ऑफ क्रीचर्स, एनिमल्स एंड देयर क्राइज एंड साउंड्स। हॉक क्राइज स्क्रीम, वल्चर क्राइज स्क्रीम आल्सो। तो हॉक एंड वल्चर बोथ आर साउंड स्क्रीम। लेट्स सी अनदर, एक और देखते हैं। अब आप देखो इसके बाद गोट, गोट का क्या होता है, गोट का साउंड आप जानते भी हो, ट्राई करो लिखने का। तो गोट, तो गोट का क्या हो सकता है, एक बार एग्जाम में पूछा है ब्लीट, तो गोट का ब्लीट। तो ऐसे आप नोट कर सकते हो हॉक का स्क्रीम, वल्चर का स्क्रीम, गोट की साउंड ब्लीट। तो हमने देखा गोट की ब्लीट, तो इसको आप नोट कर लो। अब आप देखो दीज आर नेम ऑफ क्रीचर्स, एनिमल्स एंड देयर क्राइज एंड साउंड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्स CHS एग्जाम, स्पेशली एवरी ईयर वन क्वेश्चन मस्ट बी पुट अप इन दिस चैप्टर, मीन्स यंग वंस, एनिमल्स, देयर साउंड्स एंड होम्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेम ऑफ क्रीचर्स, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। तो गोट हो गया। अब आप देखो गीज, गीज, गीज की साउंड आप बताओ क्या होती है।
तो गीज की साउंड कैकल, गीज की साउंड कैकल एंड गैबल, गैबल तो गीज की साउंड कैकल गैबल एंड हिस भी लिख सकते हैं, हिस भी होता है। तो इस प्रकार से आप देखो स्नेक का भी हिस होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक गोट का ब्लीट है और गीज का कैकल भी कह सकते हैं, गैबल भी कह सकते हैं, हिस भी कह सकते हैं। तो अब आपने देखा गोट ब्लीट एंड गीज का कैकल एंड एलिफेंट का साउंड ट्रम्पेट, फॉक्स का बार्क एंड एल। इसको एक बार फिर देखते हैं। अब आप देखो सम नेम ऑफ क्रीचर्स एंड एनिमल्स एंड देयर साउंड्स एंड क्राइज, दीज आर साउंड्स एंड क्राइज, ए साउंड एंड क्राइज हैं एनिमल एंड क्रीचर्स। तो एनिमल्स नेम एलिफेंट एंड द साउंड इज ट्रम्पेट, एनिमल नेम इज फॉक्स एंड साउंड इज बार एंड एल। तो फॉक्स की टू साउंड है बार एंड एल, आप दोनों को नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं ईगल। अब आप देखो ईगल, ईगल का स्क्रीम, अभी हमने आपको बताया था कि और किसी एनिमल्स का भी स्क्रीम है, तो ईगल का स्क्रीम साउंड है। तो ईगल के सिवा और किसका है, अभी 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 हमने जस्ट टू और थ्री मिनट्स बिफोर बताया था आपको। तो अब आप गेस करो ईगल के सिवा और किसका स्क्रीम साउंड है, अभी हमने बताया था और आपने नोट भी किया होगा तो आप उसको अंडरलाइन कर लो। आप देखो अभी हमने यहाँ बताया भी था आपको कि स्क्रीम जो है हॉक का एंड वल्चर का, तो हॉक एंड वल्चर। अब आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो हॉक, हॉक एंड वल्चर, हॉक एंड वल्चर इन दोनों का जो है स्क्रीम होता है, तो हॉक एंड वल्चर। अब आप देखो वल्चर एंड हॉक इन दोनों का स्क्रीम होता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लो ईगल, ए देखो ईगल वल्चर हॉक, ए थ्री अलग अलग नेम ऑफ एनिमल्स हैं, ए थ्री अलग अलग नेम ऑफ एनिमल्स हैं और इनकी साउंड जो है स्क्रीम है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ईगल हॉक वल्चर ए थ्री एनिमल्स के साउंड स्क्रीम होता है। तो आप इसको नोट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्क्रीम साउंड थ्री एनिमल्स की हैं ईगल वल्चर एंड हॉक। अब आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देख स्वान का साउंड क्राई, स्वान क्राई, एक बार फिर देखते हैं द साउंड ऑफ ओफ एज एल्प हाउल एंड द साउंड ऑफ स्वान इज क्राई। तो कहने का मीन्स है कि उफ का साउंड एल्प एंड स्वान का साउंड क्राई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सम नेम ऑफ क्रीचर्स एंड एनिमल्स एंड देयर क्राइज। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि स्क्रीम, अभी हमने बताया कि थ्री एनिमल्स का क्राइज है, आप इसको नोट किए होंगे हॉक वल्चर ईगल। तो ईगल हॉक एंड वल्चर इन तीनों का साउंड या यू कैन से क्राइज जो है स्क्रीम है, तो इसको आप नोट कर लो। फिर नेक्स्ट है उफ, उफ का जो साउंड है एल हाउल एंड स्वान, स्वान का जो साउंड है वो क्राई। तो इस प्रकार से हमने देखा दीज आर सम एनिमल्स क्रीचर्स एंड देयर क्राइज। नेक्स्ट देखते हैं शिप, ए आप देखो शिप, शिप का जो है साउंड ओब्लीट होता है,
तो शिप का साउंड ब्लीट। अब आप देखो शिप, शिप का साउंड ब्लीट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिप का साउंड ब्लीट होगा। एंड अब आप देखो जब भी ब्लीट किसी और की साउंड आएगी उसको हम मेंशन करेंगे और आपको नोट डाउन कराएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्स, ऑक्स का लो साउंड। ऑक्स सबको मालूम है क्या होता है, इसकी साउंड लो होती है, तो ऑक्स की साउंड लो। तो आपने देखा ऑक्स, ऑक्स की साउंड लो। तो इस प्रकार से एक और देख सकते हैं मंकी, मंकी का साउंड आप जानते भी होंगे, मंकी बहुत फेमस है और सब लोगों ने सुना भी होगा और उसकी आवाज़ आई होप सब लोग जानते भी होंगे। तो मंकी, मंकी का चैटर, मंकी की साउंड चैटर और गिब्बर। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मंकी। अब आप देखो मंकी की साउंड सबको पता भी होगी, चैटर एंड गिब्बर। अब आप देखो गिब्बर एंड चैटर, तो ये साउंड आपकी मंकी की होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साउंड्स एनिमल्स एंड देयर। अब आप देखो एक बार फिर दीज आर सम इम्पोर्टेंट नेम ऑफ एनिमल्स एंड देयर क्रपेंट स्नैक। ये दो अलग अलग एनिमल हैं, क्रीचर हैं। स्नैक का हिस, इसको भी आप नोट कर लो हिस। तो सरपेंट स्नैक का हिस। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लॉयन, लॉयन का साउंड रोर, पैरोट की साउंड टॉक, सरपेंट स्नैक एंड हिस। जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी इसको जानते होंगे वो एक चार्ट बना लेंगे, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ वो अपना स्वयं इस साइड लिख दें, जिससे उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और प्रॉपरली वो अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लॉयन लिखा, वो अपना एक चार्ट बना लें, और मैंने लॉयन लिखा वो पहले ही साउंड लिख लें रोर, फिर जब मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ तो अपना वो मैच करा लें और देखें कि उनका राइट है कि रॉन्ग है। फिर मैं पैरोट को लिखा, अब आप पैरोट का आपको अगर पता है यू कैन राइट टॉक, फिर आप मैच करा लो। देन सरपेंट मीन्स स्नैक, एंड अगर आपको पता है हिसेस या हिस तो आप उसको हिस लिख सकते हो। इस प्रकार आप एक चार्ट बना लो, जैसे मैं किसी क्रीचर्स एंड एनिमल्स के नेम लिख रहा हूँ आप उसको नोट करो एंड उसके अपोजिट साइड में आप उसकी क्राइज या साउंड को लिख दो, जिससे आपको की मेमोरी भी हो जाए कि आपने लर्न किया है, आपके माइंड में है, और नहीं है तो आप उसको मैं बता रहा हूँ नोट डाउन कर लो। तो इस प्रकार से आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, अपना एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और जो स्टूडेंट्स नए हैं नहीं अभी पढ़े हैं इस चैप्टर को वो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं लॉयन का साउंड रोर, पैरोट का टॉक, सरपेंट एंड स्नेक का हिस। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप देखो स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो का क्या साउंड है, दो होता है ट्वीटर एंड चिरुपिंग, ट्वीटर। अब आप देखो ट्विटर हैंडल नहीं, ये ट्विटर साउंड है, ट्विटर एंड चिरुप, आप इन दोनों को लिख। एक और देखते हैं, अब आप देखो कुछ और एनिमल हैं, जैसे आपने देखा होगा बी, सुना भी होगा बी मीन्स मधुमक्खी, ये भी कॉमन है सभी लोगों को पता होगा। आप अपना पहले लिख लो फिर मैं लिख रहा हूँ बी मीन्स मधुमक्खी। बी का साउंड क्या होता है देखते हैं, बी का हमिंग होता है, या इसको हम भी लिख सकते हैं हमिंग एंड हम। तो आप देखो बी का साउंड हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बी के बाद बीटल, बीटल एक क्रीचर का नाम है, तो आप बीटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब आप जो हैं इसके साउंड को यहाँ लिखो फिर मैं बताऊँगा, आप अपना मैच करा लेना। तो बीटल का साउंड आप लिखो क्या होता है, बीटल का साउंड कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे,
फिर भी मैं इसको लिख रहा हूं, बीटल का ड्रॉन होता है, ड्रॉन, तो बीटल की साउंड ड्रॉन। अगर आपने राइट लिखा तो थैंक यू वेरी मच, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हो, तो बीटल का ड्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं लार्क, लार्क बारहसिंघा जानते भी होंगे, लार्क, लार्क का एक बार एग्जाम में आया है। लार्क क्या करता है इसको आप नोट कर लो, अगर जानते हो तो हिमसेल्फ स्वयं से कर लो, नहीं तो लेट्स सी लार्क का क्या होता है साउंड। तो लार्क जो है सिंग करता है, तो इसको यहाँ सिंग, अगर कोई और कुछ जानते हो आप इसका एनदर तो भी आप लिख सकते हो। वर्बल भी बोलते हैं, कुछ लोग वर्बल भी जानते होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लार्क का साउंड जो है सिंग एंड वर्बल। तो इस प्रकार से बी का हम, बीटल का ड्रोन, लार्क का सिंग। एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं नोट डाउन किया है वो कर लें। अब आप देखो, ए बी है नेम ऑफ क्रीचर, ए आपका क्राइज, तो इधर हम बोल सकते हैं ड्रॉन, सिंग एंड वर्बल, और ये आपका लार्क है। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो नेम ऑफ क्राइज, आप देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्राइज। चलो माइस का स्क्वैक, स्क्वैक, तो आप इसको नोट डाउन कर लो स्क्वैक, एस क्यू यू ए के, एक मिनट, स्क्वैक। स्क्वैक, स्क्वैक साउंड होती है, इस प्रकार माइस का स्क्वैक। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक आपने जो भी देखा एक बार फिर देखते हैं फ्रॉग। अब फ्रॉग का आप जानते हो तो आप इसको नोट कर लो और स्वयं लिख लो, अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं, फ्रॉग का क्रॉक, क्रॉक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दीज आर सम नेम ऑफ क्रीचर्स एंड देयर एनिमल्स नेम, एंड क्रीचर्स एनिमल्स नेम। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, दी ऑन योर स्क्रीन सम नेम ऑफ क्रीचर्स एंड नेम ऑफ एनिमल्स एंड देयर क्राइज एंड साउंड्स। तो बी लिखा है, बी का आपका हमिंग या हम, बीटल का साउंड ड्रॉन, लार्क का साउंड सिंग एंड वर्बल, माइस का साउंड स्क्वैक एंड फ्रॉग का साउंड क्रॉक। तो इस प्रकार से दीज आर सम इम्पोर्टेंट नेम ऑफ एनिमल्स एंड क्रीचर्स एंड देयर साउंड्स एंड क्राइज। लेट्स सी अनदर। अब आप देखो स्मॉल, ये नोट कर लेना, स्मॉल बर्ड्स, जितनी भी स्मॉल बर्ड्स होती हैं आप गेस करो इनकी साउंड क्या होंगी, एक समान होती हैं स्मॉल बर्ड्स की। तो आप बताओ स्मॉल बर्ड्स एंड बर्ड्स ये दोनों डिफरेंट हैं, अब आप बताओ कि बर्ड्स की साउंड क्या होती है एंड स्मॉल बर्ड्स की साउंड क्या होती है, इसको आपको नोट करना है और बताना भी है। तो स्मॉल बर्ड्स की एक ही साउंड होती है, अब आप गेस करो, राइट करो, फिर मैं बता रहा हूँ आप उससे मैच करा लो, स्मॉल बर्ड्स एंड बर्ड्स नेम ऑफ एनिमल्स एंड देयर क्राइज। तो स्मॉल बर्ड्स का होता है चेरी, स्मॉल बर्ड्स का होता है चेरी, या आप इसको चाहो तो ट्विटर भी लिख सकते हो, स्मॉल बर्ड्स का ट्विटर, ट्विटर, एंड बर्ड्स का सिंग होता है केवल सिंग, जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनकी साउंड्स एंड सिंग मानते कर लो, जानते हो तो दैट्स वेरी गुड, नहीं जानते तो लिख लो। कैकल या क्लॉक भी कहते हैं, तो कैकल ही सही है, आप चाहो तो क्लॉक लिख सकते हो, लो लिख दे रहा हूँ क्लॉक, इसको भी आप नोट कर लो, हेन का कैकल एंड क्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं,
आपने हॉर्स का देखा होगा, सुना भी होगा, ये भी कॉमन है। तो हॉर्स का निफ होता है, एंड एक और होता है वो आपको बताना है। तो हॉर्स का निफ एंड स्नॉर्ट, तो स्नॉर्ट यहाँ लिख देते हैं, ये आप देखो स्नॉर्ट। तो हॉर्स का हो गया, हॉर्स का निफ एंड स्नॉर्ट, और हेन का आपका हो गया कैकल एंड क्लक। एक क्लक है, यू है, इसको एक बार क्लियर लिख देते हैं। क्लब, इसको आप नोट कर लो। इस प्रकार से हमने आज देखा यंग वंस, सॉरी नेम ऑफ क्रीचर्स, देयर क्राइज एंड साउंड्स। अब हम आगे देखेंगे एक और अनदर चैप्टर, नेम ऑफ सम पीपल, एनिमल्स एंड देयर होम्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीपल, ये अलग टॉपिक है, पीपल्स, एनिमल्स, एनिमल्स नेम एंड देयर होम्स या घर। अब आप देखो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ छोटा सा मैं चार्ट बना दे रहा हूँ एक ही पेज पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो इधर एक यहाँ बना दे रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो फर्स्ट है बर्ड, बर्ड कहाँ रहती है, तो बर्ड का घर क्या होता है, बर्ड का नेस्ट, इसको भी आप जानते हो। तो इस प्रकार मैं नाम लिखूंगा और आप उसको लिखते जाओ। तो बर्ड का नेस्ट, बर्ड कहाँ रहती है, नेस्ट में, नेस्ट, नेक्स्ट। और सेकंड देखते हैं काऊ, काऊ का हाउस क्या होता है, शेड। ए आप देखो काऊ कहाँ रहती है, शेड में। फिर देखते हैं नोबल, थर्ड पे आपका है, ये आप जानते भी होंगे, नोबल कहाँ रहते हैं, कास्टल। तो नोबल कहाँ रहते हैं, कॉस्टल में। तो नोबल का हाउस क्या होता है, कॉस्टल। नन, नन कहाँ रहते हैं, नन का आप बताओ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार एग्जाम में आया भी है। तो नन का नाइट कहाँ रहते हैं, मैंसन में। नेक्स्ट देखते हैं डॉग, डॉग कहाँ रहता है, डॉग का हाउस क्या होता है, कैनल। तो इसको लिख लेते हैं डॉग का हाउस कैनल। इस प्रकार से हम देखें नेम ऑफ एनिमल्स एंड पीपल आर देयर हाउस, यू कैन से होम। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं सेवेज, देखो सेवेज, सेवेज कहाँ रहते हैं, हट, हट मीन्स झोपड़ी, इस प्रकार से हट। एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्पेस है पिग, पीक कहाँ रहती है, स्टाई या स्टी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से पीक का घर क्या होता है, स्टी। माउस कहाँ रहता है, यहाँ पे अगर स्पेस है तो लिख दे रहा हूँ माउस, माउस होल में रहता है, तो माउस की जगह रहने की होल होती है। फिर देख लेते हैं फॉक्स, फॉक्स कहाँ रहती है, तो अब आप इस प्रकार से देख सकते हो, इसको एक मिनट में ऐसे थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। ए आप देखो, तो अब ऐसे लिख दें। अब यहां पे हमने लुनेटिक का एसाइलम होता है, एंड मैंसन, कैनल, सेवेज, हट, ये हो गया। माउस का होल अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं माउस का होल। और फॉक्स का आप देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉक्स का अर्थ, फॉक्स कहां रहती है, तो अर्थ पे। तो फॉक्स का क्या होगा, अर्थ। किंग कहां रहता है, तो पैलेस में, किंग कहां रहता है, तो पैलेस, किंग की हाउस पैलेस। इस प्रकार से हम देख सकते हैं सेवेज कहां रहता है, हट में, फॉक्स डॉग का कैनल, पिग का इस्टी, सेवेज का हट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दीज आर नेम ऑफ, अब आप देखो इसको एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर दूं,
अभी आपने इससे पहले जो है क्रीचर्स नेम एंड साउंड्स एंड क्राइज को स्टडी किया, अब आपको मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ एनिमल्स एंड मैंस एंड देयर होम्स। होम मीन्स रहने की जगह। अब आप देखो कुछ एनिमल्स हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में हर एक एग्जाम में आपके CHS के प्रत्येक ईयर आप पेपर उठा के देखोगे तो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया है। फॉक्स का होम अर्थ, किंग का होम पैलेस, लूनेटिक का हाउस एसाइलम, नाइट का मैंसन, डॉग का कैनॉल, सेवेज का हट, इस प्रकार से बर्ड्स, बर्ड्स का नेक्स्ट, काउ का शेड, नोबल का कॉस्टल, नन का कन्वेंट, पिग का स्टी। आपका क्वेश्चन पूछता है, अब आप देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एग्जाम में, हम देखते हैं एक क्वेश्चन मैं क्राइज से और एक क्वेश्चन मैं होम से लेता हूं। अब आप देखो पूछेगा कि क्राइज, क्राइज ऑफ ईगल, आपसे पूछेगा कि ईगल का क्राइज क्या होगा और फोर ऑप्शंस आपको देगा, फोर ऑप्शंस ऐसे होंगे। अब आप देखो स्क्वेक, स्क्वेक, एल्प, स्क्रीम, स्क्रीम एंड हाउ, तो दीज आर फोर ऑप्शंस। अब आप देखो क्राइज ऑफ ईगल, ईगल का क्राइज क्या होता है, अब आप देखो इसमें फोर ऑप्शंस हैं, तो ईगल का क्राइज आपका स्क्रीम होगा और ये राइट आंसर आपका स्क्रीम होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछता है। एक और देखते हैं, अब आपसे पूछेगा कि होम ऑफ नन, नन का होम क्या होता है, नन, नन का होम क्या होता है। अब आप देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा है और पूछता भी है, अब इसका मैं फोर ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। नन का जो है होम फर्स्ट है इसमें मैंसन, मैंसन, सेकेंड है होल और थर्ड है मोनेस्टी, मोनेस्टी, और अगर आप जानते हो तो बता सकते हो। अभी मैंने नन का लिखवाया है कि नन कहाँ रहती है तो आपने देखा भी होगा, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो और चूज कर सकते हो। इस प्रकार से अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि होम ऑफ नन, तो नन का होम क्या होगा, तो ये आप जानते हो कन्वेंट होगा। अब आप ये भी बताओ मोनेस्टी हमने नहीं लिखवाया तो मोनेस्टी जो है वो किसका होता है, ये आपके लिए है आप ढूंढना और इसको ट्राई करना सॉल्व करने का। तो आज लेट्स कंक्लूड, देखो आज हमने क्रीचर्स, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स एंड क्राइज का स्टडी किया, उसमें हमने कुछ एनिमल्स के नेम और कुछ उनके साउंड्स और क्राइज को देखा, फिर उसके बाद हमने होम, कुछ एनिमल्स के होम के बारे में स्टडी किया और ऑन द बिहाफ ऑफ दीज एग्जांपल्स हमने एक दो एग्जांपल्स भी देखे कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एंड आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू मस्ट वॉच ऑनलाइन संकल्प क्लासेस एंड सजेस्ट टू योर फ्रेंड टू वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वॉच करने के लिए मोटिवेट करें।